स्वरा भास्कर के ट्विटर पर एक पोस्ट पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लाइक करके फैजाबाद बीजेपी सांसद लल्लू सिंह बुरे फंस गए। जब स्वरा भास्कर ने उनके इस कृत्य के लिए तीखी आलोचना की तो लल्लू सिंह को माफी तक मांगनी पड़ी। हालांकि इस संबंध में जब लल्लू सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बात पर खेद जताते हैं कि ऐसा कुछ उनके ट्विटर हैंडल से हुआ है। यह बात अलग है कि वह अपना ट्विटर हैंडल खुद ऑपरेट नहीं करती हैं। वेल, स्वरा ने सोमवार को अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी। इस पोस्ट पर रितेश गोस्वामी नाम के एक व्यक्ति ने आपत्तिजनक जवाब दिया था। रितेश के इस जवाब को लल्लू सिंह के ट्विटर हैंडल से लाइक किया गया। इसके बाद मंगलवार को स्वरा ने लल्लू सिंह द्वारा इस जवाब को लाइक करने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि लल्लू सिंह, आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की नगरी का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करती हैं, वहीं साइबर कानून के हिसाब से साइबर यौन उत्पीड़न करती इस घटिया ट्वीट को लाइक करके आप ऐसी छिछोरी हरकत को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप मेरे पिता की उम्र के हैं और इस देश के संसद का हिस्सा भी हैं। आपको महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। स्वरा भास्कर की इस तीखी प्रतिक्रिया के बाद लल्लू सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से माफी मांगी। उन्होंने लिखा कि मैं इस कृत्य के लिए माफी मांगता हूँ। स्क्रॉल करते समय अनजाने में ऐसा हो गया होगा। मेरा इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी की भावनाओं को आहत करूं। आप मेरे सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन के बारे में स्वयं पता कर सकती हैं। लल्लू सिंह ने बातचीत के दौरान कहा कि मैं ट्विटर हैंडल खुद ऑपरेट नहीं करता हूं। मेरा बेटा चलाता है और कुछ और भी लोग हैं जिनकी मदद वह लेता है। हालांकि वे लोग इस काम के लिए पैसा नहीं लेते, मैं अपनी बातें उनको बता देता हूँ और वो पोस्ट कर देते हैं। अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा अनजाने में ही हुआ है क्योंकि मुझे इसके बारे में पता भी नहीं चला। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया यह मेरे हैंडल से हुआ है, इसलिए माफी मांग रहा हूँ। उसे भी हटा दिया गया है।